मैं शादी में नहीं जाता हूँ। बाकी जादिन सनक गनी तो फिर हिंदुस्तान क्या, दुनिया के सबसे बड़े शादी में जाके सबको अपना लॉलीपॉप सुना के आऊँगा। और किसी के अंदर पावर नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह की गायकी को फेल कर दे। क्या है यार अंबानी जी का शादी, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं दिस डैट। अरे यार एक नमूना मिला था, बाल सफ़ेद, आई कछवा ऊपरा पहन ले रहे, पेंटवा नीचवा पहन ले रहे। हम कहें ई कौन फैशन, अरे ये मरद है कि समाज के दर्द हो। अरे मरद हो तो मोछ राख, दाढ़ी राख, ऑइट हई 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 का हो, एलजी टीवी बनेगा बा। और ये गाता क्या है यार, किसी दिन तुमको गायकी सीखना हो ना बाबू तो पावर स्टार पवन सिंह के सामने हारमोनियम लेके आना, तो क्या अपन लॉलीपॉप और संगीत दोनों के टेस्ट चखा दे। शादी में जाने का वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था यार, लेकिन मेरी माँ का आदेश था और मैं शादी में गया। और जिसका जिसका आपने कल्पना नहीं किया होगा उसको उसको भी नचा कर आया हूँ। एक लड़की मिली, कहती है हेलो भवन क्या खाते हो इतना सूर्य लगाते हो। हम कहीं हेलो मारा बेग तबड़ा दिमाग होश में आ जी, नाम क्या कि जी लगाओ, पवन जी बोलो। और रही बात खाने की, तो पावर स्टार पवन सिंह दिन में 3 टाइम चावल खाता है, झमकावला से हुई। मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, बाकी जादिन सनक गईनी तो फिर किसी नेता में इतना पावर नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह के सामने आके चुनाव लड़ ले। क्या आसनसोल, क्या आरा, क्या यूपी, क्या बिहार, जादिन सनगनी तो फिर अकेले कदम 400 पार। जब भाई ये नाम रख दिए हैं पावर स्टार तो किस बात का डर है यार, कहते हैं ये पार्टी वो टिकट ये वो दिस डैट। अरे यार पावर स्टार पवन सिंह ट्रेन और फ्लाइट में चढ़ने के लिए सिर्फ टिकट लेता है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, और चुनाव पार्टी से नहीं पावर से लड़ा जाता है बाबू। पावर स्टार पवन सिंह, पावर यही जे शुरू होला यही जे खत्म हो जाला हो बेटा, झमकावला से हुई। और सुनो सांसदी विधायकी मुखियाई एक साथ जितना मन उतना चुनाव लेके आ जा, सबके बजा दी बाजा जब सनक जाई है भोजपुरिया राजा। और ये सांसद कहाँ रहते हैं यार, संसद भवन में रह लो, ओजा के अपन जनता के आवाज उठाए, अपन जनता के आवाज पहुंचाए, बस तू चुनाव जीते दो, बस जीते रहो तू चुनाव। पावर स्टार पवन सिंह अगर संसद भवन में जाता है तो सिर्फ अपनी जनता के भावनाओं को वहां पहुंचाने के लिए और किसी काम के लिए नहीं। और सुनो हाथ जोड़ी करी लेनी हो राये भैया कोई दो ना इतने उपकार, अरे वोट मांगे बेटा बा तोहार ए चाचा हो, वोट मांगे बेटा बा तोहार। पवन जी आपने नीट टॉप किया और करते ही विवाद हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? नीट कौन नहीं टॉप करता है महाराज, हर साल लोग टॉप करते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ये वो दिस डैट सब उसी साल लगते हैं जिस साल पावर स्टार पवन सिंह पेपर देता है। अब लोगों को भी पता है कि कंट्रोवर्सी पैदा करेगा बा, ट्रेंड में बने के बाद तो पवन सिंह के एक बार खोद दो बस हो गई काम। कैसे किए आप टॉप नीट, कैसे किए क्या किए ये सब मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि मैंने डिसीजन बना लिया था नीट का पेपर देना है, मैंने दिया और 720 में से 720 लेके आया। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि नीट देना चाहिए आपको? अब प्रेरणा क्या है महाराज, मैंने अपने माँ से वादा किया था कि मैं नीट का पेपर दूंगा, 720 में से 720 लेके आऊंगा। और यही नहीं, जब हमारे भाई भी हमसे मिलते थे तो गुलदस्ता देते थे तो कहते थे और डॉक्टर साहब का हलवा, तो मैंने उसी दिन डिसीजन बनाया कि नीट का पेपर देना है। शाम को गया मैं फॉर्म भरा और मैंने बोला कहाँ है नीट का पेपर, कहाँ है सेंटर, गुड़गांव में वाह, ओजे आके पेपर दे और नीट निकालब, बस तू एडमिट कार्ड आवे दो। लोग कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ इसी वजह से भवन भैया टॉप कर पाए। पेपर लीक से नीट टॉप नहीं होता है बाबू, नीट टॉप पावर से होता है। पावर स्टार पवन सिंह, पावर एजे शुरू हो ले एजे खत्म हो जाला हो बेटा, झमकावला से नीट निकली।